हेलो दोस्तों, तो आज हमने मंगाया है अपने लिए ऑनलाइन शूज़ रैक मंगाया है, और जैसे कि आपको मैंने अपने पहली वाली वीडियो में दिखाया था कि मैंने पोर्टेबल ये बुक शेल्फ मंगाया था, तो वैसे ही सेम मैंने ये भी मंगाया पोर्टेबल है कि आप इसे कहीं जाना है तो इसे हटा सकते हो और दोबारा लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये अभी मैंने एक अरेंज करा है, तो इसमें हमें तीन टाइप की स्टिक मिलती हैं। एक ये सबसे बड़ी वाली मिलती है और एक मिलती है ये थोड़ी मीडियम साइज़ की मिलती है, थोड़ी उससे छोटी, और ये एक मिलती है उससे छोटी। तो ये तीन टाइप की स्टिक्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दो बड़ी वाली स्टिक लगाई है, यहाँ पे दो बड़ी लगा दी है, फिर जो उससे छोटा साइज था ऐसे में लगाया यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे खड़ा करने के लिए हमने सबसे छोटा वाला साइज लगाया है। और आप जो ये मिले हैं हमें, इसके साथ ये मिले हैं, तो हमें सबसे जो स्टार्टिंग का फ्लोर बनाएंगे तो वहाँ पे हमें ये वाला रखना है, ये जो थोड़ा नुकीला हिस्सा है कि थोड़ा ज़मीन पे खड़े होने के लिए, तो इसे नीचे रखना है और इस तरीके से रहेगा, दो छोटे ऊपर और एक लंबा वाला नीचे, जिससे कि यहाँ पे हमें ऐसे खड़े होने के लिए बैलेंस मिल जाए। फिर हमने इसके साथ ये एक कवर मिला है जिनके ऊपर शूज़ रहेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारे कवर्स मिले हुए हैं। और इसके बाद एक जो ऊपर का मेन कवर है वो ये है, तो आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, बने रहना। ये देखिए, ये हमारा एक नीचे का बन चुका है, जो मेन नीचे का है पार्ट।
तो गाइस हमने ये सारा बना दिया है, अरेंज कर दिया है ने, और हमें मिले हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 5 पांच फ्लोर्स मिले हैं हमें। और लास्ट इसमें अब हम कवर डालेंगे, इसे थोड़ा हम, ये छोटी सी मिनी हथौड़ी मिली है हमें अपने बुक शेल्फ वाले रैक में, और उसी से हम इसे टक टक करके कर रहे हैं सेट। ये देखिए अब इसे हम कवर डालेंगे इस पे, ये देखिए अब हम इसे कवर डालेंगे, अरेंज किया जाएगा इसे कवर को। ये देखिए तो ये देख सकते हैं आप हमारा बैक साइड से कवर देखिए, और ये फ्रंट से हो गया। बाकी आप इसकी चेन लगाना जरा पूरा, आपने अपने शूज रख दिए तो ऐसे पूरा कवर कर सकते हैं, और ये डुग्गू से थोड़ा ही बड़ा छोटा है। बाकी मुझे लग रहा है ना ये कुछ है यहाँ पे ये चीज, अच्छा नहीं, इसे हम रोल करके ना इस पे कुछ टक कर सकते हैं।